हाय, सो हमारी वन शॉट सीरीज़ फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी जिसमें आप सारे के सारे चैप्टर्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड मैंने अपने तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी है वीडियोस को प्रॉपर प्लेसेस पे शेयर करना। आने वाले कुछ दिन मैं फिज़िक्स से गैप लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस मेंटल हेल्थ रिलेटेड डालूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ मैटर करती है। एंड मेरा जो पीछे का 3 साल का एक्सपीरियंस है वो काउंसलिंग में ही रहा है। आई एम एन एक्स वैदिक कोच, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपकी थोड़ी मेंटल हेल्थ अब इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैंने 4 प्लेलिस्ट के बारे में आपको कहा था। फर्स्ट वन वॉज द प्रैक्टिकल्स, सो 50% ऑफ द प्रैक्टिकल्स अपलोड हो चुके हैं, बट अगेन लॉकडाउन होने के वजह से वो प्लेलिस्ट वहीं पर रुक गई। सेकंड मैंने आपसे कहा था वन शॉट सीरीज़, जो कि ख़त्म हो गई, देर हो गई, थोड़ा टाइम एक्सपांड हो गया, बट अल्टीमेटली ख़त्म हो गई। थर्ड प्लेलिस्ट है ऑन बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर ट्रेनिंग है वो बेसिकली कि किस वे में आपको अपियर होना है, किस वे में आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स लिखने हैं। फोर्थ प्लेलिस्ट अभी भी मैं रखूँगा सस्पेंस, बिकॉज वो टाइम आने पर मैं अनाउंस करूँगा। एंड स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं MHT CET की, सर कब होगा, डेट्स कब आएंगी, ये कब होगा, तो मेरा उनसे यही कहना है कोरोना का टाइम है, आज का सोचो और मैक्सिमम कल तक का सोचो। आज जिंदा हो बस ठीक है खुश, परसों तक का मैक्सिमम सोचो, कल तक का बस उससे ज़्यादा इतना मत सोचो। अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड उसमें किसी ने सही कहा है, वरी इज़ दैट इंटरेस्ट विच वी गेट ऑन अ लोन विच वी हैव नॉट टेकन। ओके, तो अनवांटेड वरी रखने का कुछ भी मतलब नहीं है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आपका लक्ष्य है, मेन लक्ष्य वही है, बोर्ड एग्ज़ाम्स पे ही फोकस करो। MHT CET के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, प्रिपेरेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कल बोर्ड एग्ज़ाम पूरे हैं परसों MHT CET स्टार्ट है, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा ना हो कि MHT CET बचाते बचाते आप बोर्ड एग्ज़ाम्स डुबा दें, होता है, बहुत बार होता है। मेरा एक फ्रेंड ही था, उसका CET स्कोर अच्छा था बट बोर्ड एग्ज़ाम्स में उसका 50% भी नहीं आया था। तो ये कंडीशन अवॉइड करें। हाल फिलहाल आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही प्रिपेयर करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, बस मैं यही कहूँगा। और कल से या परसों से मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ 6 वीडियो रहेंगी, 6 की 6 वीडियो मोटिवेशनल वीडियोस नहीं रहती हैं, मेरी इंस्पिरेशनल टाइप रहती हैं, तो वो आप ज़रूर देखना। शॉर्ट वीडियोस रहेगी, पूरा का पूरा नज़रिया जो साल भर आपने पढ़ाई किया है एकदम उसका विज़न आपका चेंज हो जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।